नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ में श्वेता कर्क। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। बिजली कटौती पर प्रदेश प्रशासन की आलोचना करने पर वन कर्मी को नोटिस पर अमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को लताड़ा। मुनव्वर फारूकी गुड़गांव कॉमेडी फेस्टिवल से भी बाहर, विरोध के बाद आयोजकों ने लिया फैसला। अम्बेडकर सेंटर में भाजपा सांसदीय दल की हुई बैठक, पीएम मोदी का हुआ सम्मान। हिमाचल में टूरिस्ट की पहली पसंद बनी अटल टनल, नवंबर में गुजरी 1,02,920 गाड़ियां। भारत रूस रिश्तों में पुराने दिनों की गर्माहट, दोनों देशों के बीच अगले 10 वर्षों तक सैन्य सहयोग का एजेंडा हुआ तैयार। दिल्ली के चर्चित हिंदू नेता की सलाह, मथुरा काशी से मस्जिद को स्वयं हटा ले मुसलमान। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की डॉक्टरों को अपील, ड्यूटी पर वापस लौटे कर्मचारी, चुनौतीपूर्ण समय में देश को मिलेगा मजबूत संदेश। सुप्रीम कोर्ट बोला, दहेज की एक सामाजिक बुराई, इस पर समाज के भीतर से होना चाहिए बदलाव। नीतीश का बयान, बिहार में पियकड़ों को बढ़ाएगी परेशानी, अब बोतल फेंकते ही सामने होगा फोटो। बिहार में औरंगाबाद में बनेगा खेल भवन से व्यायामशाला, भवन निर्माण के लिए जमीन तलाश रहा विभाग। उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना है सरकार का उद्देश्य, मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन, कहा विधानसभा चुनाव जीतना है लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग का अनोखा तरीका, गीता जयंती महोत्सव में मोबाइल टेस्टिंग लैब से लिए जा रहे सैंपल। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो में डलमिया भारत सीमेंट संयंत्र की रखी नींव, बोले प्रदेश में उद्यम लगाएं, सरकार करेगी हर मदद। भाजपा विधायक ने नड्डा को लिखा पत्र, दार्जिलिंग से बंगाल से अलग करने की मांग। योगी आदित्यनाथ के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यूपी में कृषि कानून नहीं है प्रमुख चुनावी मुद्दा। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन बोले, भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आई तो हम नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी ने गिनाई अखिलेश की कमियां, बताया कौन जीतेगा यूपी का चुनाव। महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी का बड़ा बयान, इस्लाम ईसाइयत वाले पूछते हैं जाति, इसलिए नाम रखा जितेन नारायण सिंह त्यागी। गोरखपुर के डीएम की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर रणधीर सिंह की 60 करोड़ की संपत्ति पर लगेगा ताला।
औरैया में काशीराम कॉलोनी में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। अलीगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ आयोजन, विद्यालय में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। चंदौली में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, सड़क हादसे में 5 लोग हुए घायल। फर्रुखाबाद में शौर्य दिवस का हुआ आयोजन, 11,000 दीपों से दी गई श्रद्धांजलि। हमीरपुर में बसपा कार्यकर्ताएं मनाया परिनिर्वाण दिवस, झांकियों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। कानपुर देहात में खड़े डंपर से टकराई तेज रफ्तार बस, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, आग में जलकर हुई 3 लोगों की मौत। रायबरेली में आदित्य सिंह के बिगड़े बोल, ग्राम प्रधान का ऑडियो हुआ वायरल। संबल में सदर विधायक पर गर्जे हाजी शकील, 30 साल से नहीं हुआ कोई विकास। संबल में अज्ञात लोगों ने तोड़ी मंदिर की मूर्ति, हिंदू समाज के लोगों में छाया रोष। सोनभद्र में स्वच्छता पखवाड़ा की हुई शुरुआत, सीआईएसएफ जवानों ने की साफ सफाई। उन्नाव में अनियंत्रित ट्रक ने मासूम को रौंदा, मौके पर हुई मासूम की मौत। उन्नाव में वाहन चोरी गैंग का हुआ खुलासा, 3 चोर हुए गिरफ्तार। बलिया में विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे बसपा विधायक, किसी काम की नहीं कांग्रेस पार्टी। ताजनगरी में बड़े चोरी के मामले, सीसीटीवी कैमरों की बैटरी भी हुई चोरी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा, हादसे में करीब 30 लोग हुए घायल। रायबरेली में 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव। बुलंदशहर में होटल में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, हादसे में 3 लोग हुए घायल। देवरिया में लेखक ने किया किताब का विमोचन, विद्यार्थियों के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मैनपुरी में स्कूल में शिक्षक की गुंडाई, खौफनाक चेहरा आया सामने, पीएसए के साथ की मारपीट। रायबरेली में महिला का शव मिलने से सनसनी, खून से लथपथ मिला महिला का शव।
सोनभद्र में पीएसी के जवानों ने किया सघन कैंपिंग, जवानों ने लोगों को कोरोना से बचने की दी सलाह। सोनभद्र में रेंजर मुन्ना लाल सिंह का वीडियो हुआ वायरल, डीएफओ ने जांच के दिए आदेश। फतेहपुर में अध्यक्षों की बैठक का आयोजन, कांग्रेस और न्याय पंचायत पर चर्चा। चंदौली में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च, बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर निकाला मार्च, बस्ती के युवाओं ने निकाला ये मार्च। चमोली में त्रिशाला नवरात्र की हुई शुरुआत, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धनौरी में कांग्रेसियों ने फूंका भाजपा सरकार का पुतला, कलियर विधायक ने भाजपा पर लगाया आरोप। उत्तराखंड में मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राज्यपाल और सीएम ने दी शुभकामनाएं, सैन्य बल की वीरता को किया याद। राजकीय चिकित्सालयों में मिलेगी मुफ्त दवा, 30,000 के रोजगार देने का भी लक्ष्य। कालेवाला में भाजपा विधायक पर भड़के, ग्रामीण विकास नहीं करने का लगाया आरोप। लालकुआ में औचक निरीक्षण पर पहुंचे एससी आयोग के उपाध्यक्ष, तहसील में व्यवस्थाओं की ली जानकारी। चंपावत में दलित युवक की मौत का मामला, भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। थल लिफ्ट पेयजल योजना की हुई शुरुआत, जल निगम के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सारा उत्तराखंड हरदा के संग अभियान लॉन्च, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, कांग्रेस सरकार में हुआ उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास। देहरादून में आरटीओ के बाहर व्यावसायिक बीमा कर सरकार को चूना लगा रहे चार दलाल गिरफ्तार। हल्द्वानी नगर निगम कार्यकारिणी समिति में 6 सदस्य बाहर, सत्ता पक्ष विपक्ष में सादा संतुलन जिम्मेदारी। उत्तराखंड में उद्योगों के लिए कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन में राहत, सरल बनाई गई प्रक्रिया, कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड में गरीब परिवारों को बड़ी राहत, 50 वर्ग मीटर आवासीय भूमि मुफ्ती होगी फ्री लोड। उत्तराखंड में बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच, हाथी बड़कला में रोका गया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। म्यांमार में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही जनता पर सैन्य अटैक की अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन फैलने का डर, 15 देशों पर लगाया गया ट्रैवल बैन।
अमेरिका ने किया बीजिंग ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार, नहीं भेजेगा अपने अधिकारी। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर, 37% आबादी को नहीं मिल रहा खाना, दिल दहलाने वाली नई रिपोर्ट। कश्मीर पर राग अलापना, बूतल नहीं पाक, कुरैशी ने यूएन को लिखा पत्र। अगली महामारी के कोरोना से भी अधिक घातक होने के आसार, ऑक्सफोर्ड ने दी चेतावनी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग को बताया जायज, कहा धर्म की बात की जाएगी। धार्मिक मामलों पर कड़ाई करेगा चीन, शी जिनपिंग ने दिए आदेश। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को जान से मारने की साजिश, कार में लगाया गया थप्पड़। नोबेल विजेता आंग सान सू की 4 साल की जेल, सेना के खिलाफ दोषी करार। ₹10,000 ही निकाल पाएंगे महाराष्ट्र के अहमदगढ़ स्थित नगर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक, आरबीआई ने लगाई कई और पाबंदी। सैमसंग ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A03 कोर, कीमत ₹8,000 से भी कम। क्रिप्टो करेंसी को प्रोत्साहित करने की योजना नहीं, चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी पर संपदा के रूप में इजाजत संभव, सीतावरण ने दिया ये बयान। इलाज की बढ़ती लागत से नियामक चिंतित, IRDAI बोला उसको मिलना चाहिए अस्पतालों को नियंत्रित करने का अधिकार। इलाज की बढ़ती लागत से नियामक चिंतित। ऑडी A4 का प्रीमियम वेरिएंट हुआ लॉन्च, इसकी एक शोरूम कीमत करीब 40 लाख। केंद्र से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाने की मांग, मंत्रियों से मिलेगा ADSCI का प्रतिनिधिमंडल। जल्द आ सकता है आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी का IPO, फंड जुटाने के लिए बोर्ड ने दी मंजूरी। FDI के प्रस्ताव अब फटाफट होंगे पास, कैबिनेट सचिव की बैठक में फैसला। यस बैंक ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड, नया क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक साथ देगा कई सर्विस। बोट के 2 ईयरफोन लॉन्च, नेकबैंड ईयरफोन रिचार्ज 330 प्रो में 20 घंटे तक मिलेगा म्यूजिक प्लेबैक। इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, 1000 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन पहले टेस्ट से बाहर। क्रिस गेल के अंतिम इंटरनेशनल मैच की जगह और तारीख तय, T20 में 14,000 रन बनाने वाला दिग्गज करेगा धमाका। सीरीज का 5वां टेस्ट कैंसिल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों के कारण उठाया यह कदम।
भारत के खिलाफ सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में टॉम लॉथम ने हार के बाद कहा, यह हमारा बुरा समय, कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं रहा। अजिंक्य रहाणे का साउथ अफ्रीका जाना तय, विराट कोहली ने अपने और उपकप्तान के प्रदर्शन पर कही ये बड़ी बात। रविचंद्रन अश्विन ने की 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल के लिए सिफारिश। विराट कोहली बेटी वामिका के पहले जन्मदिन पर देंगे खास तोहफा, करोड़ों खेल प्रेमी भी बनेंगे गवाह। रवि शास्त्री ने किया खुलासा, विराट कोहली के पिछले 5 वर्षों में फॉर्मेट के राजदूत होने के लिए प्रशंसा की। भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के नए शेड्यूल का हुआ ऐलान, 26 दिसंबर से होगा पहला टेस्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का जलवा, फिर से हासिल की नंबर 1 की कुर्सी। ये गलिया ये चौबारा गाने का नया वर्जन रिलीज, पद्मनी कोल्हापुरी के वीडियो ने जीता लोगों का दिल। अतरंगी रे का दूसरा गाना रिलीज, अक्षय कुमार के प्यार में डूबी दिखी सारा अली खान। जैकलीन फर्नांडिस की फिर बड़ी मुश्किलें, ईडी ने एक्ट्रेस को भेजा एक और समन। उर्वशी रोतेला को मिला न्योता, जज करेंगी मिस यूनिवर्स कंटेस्ट। विकी कौशल कैटरीना के एफ पहुंचे वेडिंग प्लेस, आतिशबाजी के साथ राजस्थानी स्टाइल में हुआ कपल का स्वागत। हिंदू रीति रिवाजों के बाद चर्च में व्हाइट वेडिंग करेंगे विकी कौशल कैटरीना कैफ, मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज की भी चर्चा। मालदीव से अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा की रोमांटिक डिनर डेट का वीडियो हुआ लीक, अलग अंदाज में नजर आई एक्ट्रेस। साइंतनी घोष ने अपने बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी संग लिए साथ फिरे, सोशल मीडिया पर पोस्ट की वेडिंग फोटोज। अंकिता लोखंडे ने शेयर किया विक्की जैन संग साकरपोड़ा का प्यारा वीडियो, यूजर्स बोले सुशांत होता तो कुछ और बात होती। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी से पहले वेन्यू से लीक हुआ वीडियो, जोधा अकबर के सूफी सॉन्ग ख्वाजा मेरे ख्वाजा परफॉर्म करते दिखे डांसर। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।